नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में जारी विकास कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की। निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ियों में पेयजल आपूर्ति एवं शिविरों में प्राप्त राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का शीघ्रता से निराकरण करने को कहा गया। निगम के सभागार में महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने भिलाई निगम क्षेत्र में विकास कार्यों एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी जोन आयुक्तों व योजना से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से कार्यों की जानकारी लेते हुए शासन की योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य लेकर कार्य करने कहा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास के निर्माणाधीन आवास और हितग्राहियों को मिलने वाली किस्त की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए प्रक्रिया को जल्द पूरा करने कहा गया। भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों को भिलाई निगम क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग एवं अतिक्रमण अवैध कॉलोनी की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेकर ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों पर शिकंजा कसने को निर्देश दिए। साथ ही राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टा वितरण लीज एवं फ्रीहोल्ड स्लम पट्टा धारक को भू स्वामी अधिकार देने के कार्यों की जानकारी लेते हुए कार्य में आ रही समस्या का निराकरण करने हेतु एवं कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शिविरों में प्राप्त होने वाले समस्याओं के आवेदनों को बिना लेट लतीफी के निराकरण करने के आदेश दिए गए ताकि कोई भी आवेदन पेंडिंग न रहे। समीक्षा बैठक ली गई है, सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें उपस्थित थे। एक्चुअल में जो विभागीय समीक्षा है वो इसके साथ साथ में जो शासन की योजनाएं हैं, अधूरे कार्य, पेंडिंग कार्य, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, ये सब चीज को लेकर के जो है बैठक ली गई है। और बैठक में जो है अधिकारियों से जो है जानकारी मांगी गई और इसके मुताबिक जो भी पेंडिंग कार्य है उसको पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा भी शहरी गौठानों में चल रही गतिविधियों एवं स्लम स्वास्थ्य योजना के साथ अन्य कार्यों की समीक्षा कर सभी कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अधिकारियों को दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।